हाय ऑल, वेलकम टू पामस बुटीक चैनल। आज के इस वीडियो में बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग बनाना सीखेंगे। मेजरमेंट इस तरह से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे फुल लेंथ। फुल लेंथ के लिए फुल लेंथ में से हिप का 6 माइनस करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बॉटम 12 है तो 12 का हाफ लेंगे तो 6 आएगा, नीचे भी और ऊपर भी 6 इंचेस लेंगे और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींच के एक देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया। अब ऊपर की तरफ एक और मार्क करेंगे अर्ज का हाफ, यानी कि कपड़े की जितनी विड्थ होती है उसका हाफ लेके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ आसन का निशान लगाएंगे हिप का 6। इसके बाद इस तरह से इसको मिला देंगे पाउचे से। अब हम सारी कैलकुलेशंस लिख लेते हैं। तो फुल लेंथ के लिए हमने लिया था ऊपर से लेके नीचे तक फुल लेंथ माइनस हिप का 6, जो हमारा आया था 34.6 इंचेस। इसके बाद हमने यहाँ पर बॉटम का हाफ लिया था 6 इंचेस ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो हमारा ये पाउचा हो गया रेडी। इसके बाद कली की जो विड्थ थी वो हमने अर्ज का हाफ किया था, कपड़े की जो विड्थ होती है उसका हाफ करा था और आसन हमने लिया था हिप का 6। अब बेल्ट के लिए हमें बेल्ट की लेंथ जो है वो हिप का 6 लेनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो है हिप का 4+2 इंचेस। और सेम ऐसे ही सीधी लाइन स्ट्रेट कर देंगे तो ये हमारी हो गई बेल्ट, और हमारी बेल्टेड सलवार की ड्राफ्टिंग अब रेडी है। तो हमारे तीनों पार्ट रेडी हैं, बेल्ट, कली और पाउचा। हम इन तीनों पार्ट्स की अलग अलग कटिंग कर लेंगे। जब मैं आपको इसको फैब्रिक पे कट करना बताऊंगी तो मैं इन्हीं पार्ट्स को यूज़ करके कट करना बताऊंगी। तो मैं यहाँ फोल्ड साइड लिखना भूल गई हूँ, मैंने लिख दिया है। पाउचा जो है वो फोल्ड साइड पे ही आएगा। तो इस तरह से हमारा पाउचा रेडी हो गया है। अब हम कली को भी अलग कर देते हैं। कली में फोल्ड साइड नहीं चाहिए, ये अलग अलग पीस होते हैं इसके। वो मैं जब फैब्रिक पे कटिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी कि इसके कितने पीस निकालने हैं। और बेल्ट को भी अलग से कट करके रख देंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग भी हो गई है। इस कटिंग को कैसे करना है कपड़े पे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये हमारा एक पाउचा हो गया, ये कली हो गई और ये हमारा बेल्ट का पीस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी सलवार। तो फिर हम इसको कपड़े पे कैसे काटना है वो हम सीखेंगे।